यो बॉयज यहाँ पे देन अभी एंड गर्ल्स, ठीक है, न्यू टॉपिक शुरू कर रहे अपने नए वाले पहले वाले सब्जेक्ट में, एडवांस अकाउंटिंग पहला वाला सब्जेक्ट है, सबसे पहला जिसको लीव के टाइम भी सबसे ज़्यादा दिन मिलने वाले पढ़ने को, सबसे ज़्यादा दिन क्यों, क्योंकि पहला पेपर है, तुम्हें जितने चाहिए उतने दिन दे सकते हो, ठीक है। इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा दिन नहीं दे सकते अपन, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का वैसे प्लान्ड होता है अकॉर्डिंगली, पर हाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा दिन दे सकते हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उसमें डेढ़ ही दिन मिलने वाला है, पर इसमें ऑप्शन है, इसमें तुम 3 दिन 4 दिन तुम्हारे पढ़ाई के अकॉर्डिंग दिन दे सकते हो, क्योंकि पहला पेपर है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से इसको ज़्यादा दिन दे सकते हो, इसीलिए ये सब्जेक्ट में काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है, सिर्फ लेंदी होता है जैसे मैंने कल भी बताया, तो उस पर अपन काम करेंगे पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चलो इंटरेक्टिव रहना, मज़ा आएगा एकदम, अकाउंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको अब तक पसंद नहीं आया हो अब उसको पसंद आ जाएगा, ठीक है, और जिसको पसंद नहीं आया वो मुझे मिल लेना क्लास के बाद, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, कोई तो कैरेक्टर बनना पड़ेगा, अर्थ, अर्थ बन जाएगा अपना। अच्छा इसका मैं क्लेरिफाई कर दूँ, ये वाला अर्थ नहीं है, ये वाला अर्थ है, बराबर, ठीक है। तो अर्थ, अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने बिल्डिंग खरीदी, क्या खरीदी, बिल्डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसने बिल्डिंग खरीदी, तो अभी हुआ क्या, उसने बिल्डिंग खरीदने पे उसने मुझे पूछा ये बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, तो मैंने बोला ये बिल्डिंग तेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, PPE है, PPE मतलब क्या, मैंने बोला था पहले दिन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको एक टर्म दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये मेरे पास आया, मैंने इसको बोला कि तेरी जो बिल्डिंग है ना ये क्या है, PPE। फिर ये गया किसके पास, किसी के पास जाएगा ये, अभी किसके पास जाएगा, ये गया सिद्धि के पास, ठीक है। इसने पूछा सिद्धि को ये बिल्डिंग क्या है, सिद्धि ने बोला ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट है, क्या है, इन्वेस्टमेंट, हो सकता है ना बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उसने बोला बिल्डिंग, सिद्धि के पास गया, सिद्धि बोली ये बिल्डिंग है इन्वेस्टमेंट। फिर ये गया किसके पास, किसके पास, क्या किसका नाम लिया तुमने, कमलेश, अभिषेक, अभिषेक के पास, ठीक है। तो अभिषेक के पास गया और अभिषेक को पूछा ये बिल्डिंग क्या है, तो अभिषेक बोलता है स्टॉक, अभिषेक बोलता है स्टॉक, इन्वेंट्री, ये बिल्डिंग इन्वेंट्री है, क्या बिल्डिंग इन्वेंट्री हो सकती है, हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, बिल्डिंग इन्वेंट्री हो सकती है, जरूर हो सकती है, अगर उसने आगे बेचने के लिए, उसका बिजनेस ही वही है, बिजनेस ही वही है, मैंने बेचने के लिए खरीदी, तो फिर स्टॉक बिंदास हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है। तो इसका जो बिल्डिंग है, इसने बोला कौन था अपना, अभिषेक, बराबर, अभिषेक, बराबर स्पेलिंग, ठीक है, अभी जो भी है, अभिषेक ने बोला ये स्टॉक है, अभिषेक, ठीक है। अभिषेक ही क्या करती, तो अभिषेक ने बोला कि ये स्टॉक है, तो अभी मुझे बताओ है क्या एक्चुअल में, तीन लोगों ने अलग अलग ओपिनियन दिए, तुम्हें क्या लगता है, जो मैं बोलूं, मैंने तो पीपीई बोला, ये देखो लड़कियां हमारी सही आंसर दे रही है, लड़के लोग मस्ती में ही रह जाओगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब वो काम क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग का यूज क्या करने वाला है, उस पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं ना, ओके, तो ये बिल्डिंग का यूज क्या करने वाला है उस पे डिपेंड करता है। अगर इसने बिल्डिंग खरीदी है किसके लिए, कुछ उस पे रेंट पे चढ़ाने के लिए, या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये बिल्डिंग मैं बेच दूंगा वैल्यू बढ़ते ही, अगर ये सोच के उसने किया हो, तो ये सोच के अगर किया हो तो उसके लिए तीनों में से क्या रहेगी, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट,
पर अगर ये सोच के बिल्डिंग खरीदी हो कि ये बिल्डिंग मैं बिजनेस में यूज करने वाला हूँ, इसमें मेरा ऑफिस बनाऊंगा, मस्त चकाचक ऑफिस, लोग आएंगे, उनको इम्प्रेस करूंगा और क्लाइंट के साथ मीटिंग करूंगा, कंसल्टिंग करूंगा, ये सब सोच के उसने बिल्डिंग खरीदी है, तो अभी उसके लिए बिल्डिंग क्या रहेगी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. बिजनेस में वो क्या आ रही है? यूज में आ रही है बिजनेस में. तो बिजनेस के लिए वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है. बिजनेस उसको यूज में ले रहा है. और अगर इसका कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब ये बिल्डिंग बना के बेचता है, तो बिल्डिंग उसके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है, बिल्डिंग उसके लिए स्टॉक है. वो खरीद के बेचता है, बिल्डिंग खरीदता है, बिल्डिंग बेचता है, उसके लिए स्टॉक है, उसका ये रोज का काम है. ठीक है, उसको कोई बड़ी बात नहीं लगती बिल्डिंग खरीदना, ऐसे खरीद के ऐसे बेच देता है. ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? बिल्डिंग स्टॉक. तो डिपेंड करता है, ये बात पहली चीज समझ लो. तीनों में डिफरेंस क्या है? पीपी जो होता है ना, ये क्या होता है? यूज में लाने के लिए जो खरीदते वो होता है पीपी. पर इन्वेस्टमेंट कब होता है? अगर अगर मैं किसी एसेट में इन्वेस्ट करूँ, कोई एसेट खरीदूँ, और वो एसेट मुझे रिटर्न देने वाला है, रिटर्न इन एनी फॉर्म. रिटर्न मतलब कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिबेंचर्स खरीद लिए. सुना है डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. तो मैंने डिबेंचर्स खरीद लिया और उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया. उस पर क्या रिटर्न में आ रहा है? इंटरेस्ट. फिर मैंने या तो शेयर्स खरीद लिए, अभी शेयर्स खरीदे तो उस पर रिटर्न क्या मिलता है? डिविडेंड. डिविडेंड मिलता है और शेयर्स की वैल्यू जो बढ़ती है वो अलग. तो ये दोनों रिटर्न हो गए शेयर्स पे. तो शेयर्स भी क्या टाइप हो गया? फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि शेयर्स खरीदे किस लिए? उस पर मुझे रिटर्न मिले. ओके, तो ये हो गया शेयर्स. इसके बाद अगर कोई ऐसा कुछ खरीदा है जैसे रेंटल्स के लिए, अपना बिल्डिंग रेंटल पे चढ़ाऊंगा मैं, उससे कौन सी इनकम आएगी? रेंट की इनकम आएगी. तो रेंट की इनकम आएगी तो मैं कमाऊंगा, मस्त रहूंगा. तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है, ये उसका ना ही बिजनेस है ना ही बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहा है. तो इसको क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. तो इसी के साथ फर्स्ट टॉपिक बताता हूँ मैं तुम लोगों क्या है. फर्स्ट टॉपिक है एस नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. अभी ये एग्जाम्पल से थोड़ा मस्ती मस्ती में तुमको समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अलग क्यों है बाकी एसेट से, ये समझ में आ ही गया होगा. तो इन्वेस्टमेंट अलग क्यों है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिटर्न के लिए. ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिटर्न के लिए, ये अलग है इन्वेस्टमेंट में. बाकी मेन मेजर डिफरेंस वही है. तो इन्वेस्टमेंट अगर किया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? सोचो, ये एएस को क्यों आना पड़ा होगा? एएस क्यों बनाना पड़ा? एएस स्पेसिफिकली क्यों बनाना पड़ा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए? उसका एक रीजन है. अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अभी इन्वेस्टमेंट को अकाउंटिंग कैसे करूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने शेयर्स खरीदे 100 रुपये के, उस पर मैंने ब्रोकरेज दिया 2 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी दी 1 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी एसटीटी चार्जेस दिए 0.5 रुपये. तो ये सब चार्जेस मैंने दिए हैं शेयर्स खरीदने पे, और फिर मैंने शेयर्स बेचा 105 में. तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करूँ? जब इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कितने पे रिकॉर्ड करूँ? 100 रुपये पे करूँ, या जो कॉस्ट जो पे किया है वो भी शेयर्स का ही पार्ट है वैसे मान लूँ? तो ये कन्फ्यूजन ना हो, डिफरेंस ना हो ओपिनियन में. इसीलिए क्या हुआ? एएस आया और एएस ने बोल दिया ऐसे ऐसे करो भाई, दिमाग मत लगाओ. तो एएस क्या बोलेगा? जो तुम लोग ही सोचोगे. क्या लगता है तुमको, ये सब मैंने जो कॉस्ट बोले, ब्रोकरेज, एसटीटी वगैरह, ये सब क्या शेयर्स के कॉस्ट में ऐड होने चाहिए? परचेस कॉस्ट में बिल्कुल होने चाहिए. तो एएस बनाने वाला कोई खास आदमी नहीं है, अपन भी वो सोच सकते जो उसने सोचा है. ठीक है, तो एएस जब जब एएस पढ़ेंगे ना, तो पहले अपन सोचेंगे कि अपन एएस बनाते तो कैसा बनाते, और फिर देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है. लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही आएगा, क्योंकि एएस जो बनाया गया है ना, जनरल ओपिनियन में या सोच के ही बनाया गया है. तो ऐसा अपना अप्रोच रहेगा पूरा एएस पढ़ते वक्त. तो इन लोगों ने भी वही सोचा कि कॉस्ट में ये आएगा. ठीक है, चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जिसपे रिटर्न कमा रहे अपन, किसके फॉर्म में? मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि डिविडेंड एक तो उस पर मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, रेंटल्स मिल सकता है, या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है. कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब क्या? वैल्यू बढ़ सकती, भाव बढ़ सकती है. जैसे शेयर्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसकी भाव बढ़ने के लिए खरीदा है, तो इसको कैपिटल अप्रिसिएशन बोला जाता है. तो ये सब के लिए अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी या कुछ पर्पस या कुछ एसेट खरीदा है, तो वो क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट बन जाता है. ये है इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन जो एएस ने दिया है. तो ये ऐसे लगा क्या मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ? नहीं, तो ये डेफिनेशन जैसा है ही नहीं. डेफिनेशन लर्न करने के लिए तुम्हें डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन समझ लो, लर्न हो जाएगा. तो डेफिनेशन है क्या कि एएस जो है, एएस 13 ने इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन बोल दिया. तो इन्वेस्टमेंट है क्या बेसिकली? इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है. एसेट में क्या आता है? एसेट में जो बिल्डिंग
खरीदी, फॉर एग्जाम्पल एसेट खरीदा है किसके लिए, फॉर डिविडेंड इनकम, या तो इंटरेस्ट इनकम, या तो रेंटल इनकम, या तो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए अगर खरीदा हो तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले साथ साथ लिखते भी जाते हैं, तुम्हारे बुक्स में हेडिंग दे देना, तुम्हारे बुक्स में हेडिंग दे दो। हेडिंग दे दो AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। उसमें सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है, एसेट्स हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड जो शेयर्स देता है, इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स देते हैं, रेंटल्स जो प्रॉपर्टी देती है, या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन। हाँ, करेक्ट। हाँ तो शेयर्स एक बार ले लिए तो ले लिए, उस पर खर्चा कुछ नहीं होगा फिर। लिखा कौन सा वाला? हाँ बराबर, वो पार्ट तो मैंने फिर भी लिखवाया नहीं, अभी वो लिखा होगा, वो अभी तक करना बाकी है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने, हो गया लिख के। बुक्स अच्छे से मेंटेन करना, बुक्स बहुत काम में आते हैं बाद में, तो बुक्स शुरू से अच्छी रखना ताकि कुछ बैकलॉग ना रहे, ये ध्यान रखना। ओके तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख लिया, इन्वेस्टमेंट क्या होते हो समझ गए, चलो बढ़िया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इन्वेस्टमेंट क्या हो गए वो मुझे समझ गया, इन्वेस्टमेंट क्या होते वो समझ गया। पर देखो कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर्स खरीदे, ठीक है शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स के वैल्यू में चेंजेस हो रहे, शेयर्स की वैल्यू तो सेम होती नहीं इतना सबको पता है, शेयर्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है? डिमांड या सप्लाई के बेसिस पे चेंज होती रहती है। तो मैंने शेयर्स खरीदे, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अभी अगर मैंने शेयर्स खरीदे तो फॉर लॉन्ग टर्म, मैंने बोला कि नहीं मैं रखूँगा शेयर्स 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मेरा पोते को गिफ्ट करूँगा, ऐसे मैंने सोच लिया कि मस्त लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, आराम से बाद में बेचूंगा जब इसकी वैल्यू 100 टाइम्स हो जाए, ऐसे मैंने सोचा। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो शॉर्ट टर्म में उसके फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस हो रहे क्या मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसका मैटर ही नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम बाद उसको बेचने वाला हूँ। तो इसीलिए क्या लगता है तुम्हें,
तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जो इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है, एक तो कॉस्ट पे करो या तो फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको एडजस्ट करो। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो? कॉस्ट वाला ऑप्शन। देखो ये एस वाले अपने जैसे ही सोचते हैं ना, वही दिया उन्होंने कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करोगे उसको? तुम लोग क्या कर सकते हो, कॉस्ट पे ही दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फेयर वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर फेयर वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, पर फेयर वैल्यू अगर बढ़ते जाए तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? प्रूडेंस बाबा है ना, प्रूडेंस बाबा ने रोक दिया। प्रूडेंस ने क्या बोला कि अगर लॉसेस हो रहे, वैल्यू कम हो रही तो ही रिकॉर्ड करो, नहीं तो मत करो। तो फेयर वो तो बेचने पे रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट जो भी होगा, पर अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और फेयर वैल्यू नीचे चले जाए कॉस्ट के, तो उसको वैल्यू करेंगे किस पे? फिर फेयर वैल्यू पे। तो इसीलिए उसमें क्या आ गया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसमें वैसे आ गया। इसमें है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पे वैल्यू करो। तो अभी इसमें देखो दो तीन वेरिएशन आ सकते हैं जिसके बारे में सोचते, थोड़ा दिमाग लगाते। चलो सब लोग ओपन माइंड कर दो, एकदम दिमाग लगाना है अभी। हाँ यस, ये मेरा क्वेश्चन आने वाला था आगे, वेरी गुड। इस पर बात करेंगे 1-2 मिनट बाद, उसके पहले। हाँ करेक्ट, नहीं पर वो रियलाइज नहीं हुआ है, वो नोशनल गेन है, नोशनल गेन है वो। नोशनल गेन और रियलाइज गेन में फ़र्क क्या है? अगर वैल्यू बढ़ती है और बढ़ रही है बस, तू कुछ कर ही नहीं रहा, तो ये नोशनल गेन है। तो नोशनल गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है, या एंटिसिपेटेड गेन है कि अगर मैंने बेच दिया तो गेन होगा, तो अगर वाला आ गया ना इधर, इसीलिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, हाँ चलो, करंट और लॉन्ग टर्म, करंट मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दो टाइप के हो सकते हैं। तो अभी इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोल दिया, लॉन्ग टर्म को किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पे। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म को वैल्यू कर दिया कि कॉस्ट पे, ये सोच लिया मैंने, और मैंने खरीद लिए किंग फिशर के शेयर्स। अभी तुमने स्टोरी सुनी होगी पता नहीं, चलो येस बैंक लेटेस्ट तो सुना होगा तुम लोगों ने, येस बैंक। मैंने येस बैंक के शेयर्स खरीद लिए, मस्त 200-250 के शेयर्स चालू थे भाव, मैंने शेयर्स खरीद लिया 200-250 में। मैंने बोला मस्त ये 2000 का शेयर होगा तो मस्त बेच देंगे, मज़ा आ जाएगा। तो मैंने येस बैंक का शेयर खरीदा, येस बैंक का शेयर कितने पे खरीदा है, 200 पे। मैंने सोचा इसकी वैल्यू मस्त बढ़ती जाएगी। अच्छा ये फ्रीज था, ओके। तो मैंने खरीदा येस बैंक का शेयर 200 में, और 200 में खरीदा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ऐसे मैंने सोचा, ओके। पर रियलिटी में हुआ क्या, डायरेक्ट दस्तक 200 का डायरेक्ट दस्तक आ गया, मतलब इतना खतरनाक डिक्लाइन हुआ, मतलब जैसे परमानेंट डिक्लाइन ही हो गया, मतलब उसकी शेयर्स की वैल्यू चली गई, अभी 200 तक जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या कॉस्ट पे दिखाना सेंस है ऐसे केस में? मतलब मैं दिखा रहा हूँ मेरा एसेट 200 का है, जबकि वो 10 पे परमानेंट डिक्लाइन हो गया, गया फिनिश खत्म टाटा बाय बाय। तो अगर ऐसे हुआ है तो क्या उसको 200 पे दिखाना सही है? नहीं, तो कॉस्ट पे दिखाओ, लेकिन अगर परमानेंटली वैल्यू गिर जाए, परमानेंटली वैल्यू गिर जाए तो उसको किस पे वैल्यू करोगे, फेयर वैल्यू, उसकी जो भी कम हो गई वैल्यू उस वैल्यू पे उसको दिखा दोगे। तो ये एक एक्सेप्शन उसमें डाला गया। और दूसरा ये क्वेश्चन पे मैं आने वाला था, चलो मैंने शेयर्स खरीदे, ठीक है मैंने शेयर्स खरीदे, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के शेयर खरीदे, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे। अभी डिसाइड कैसे करोगे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? एक साल में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, तो ये कब पता चलेगा एक साल में बेचा या नहीं? बेचने पे अभी कैसे पता करूं? हाँ। तो वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने सही बोला। देखो यहाँ पे एक्चुअल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म ये कब समझेगा, जब एक्चुअल में बेचा या नहीं बेचा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। पर शुरू में कैसे पता कर सकते हो, खरीदते वक्त मेरा इंटेंशन क्या था? ठीक है, तो खरीदते वक्त मेरा इंटेंशन क्या था उस पर डिपेंड करता है। कि होता है ना कभी कभी तुमको सामने वाले को देख के समझ जाता है, हाँ ये इसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म का रिश्ता रहेगा, और किसी को देख के समझ जाता है, नहीं चलो
कट लो इधर से, है ना, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ऐसे दोनों टाइप के होते हैं। इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, तो तुम्हारा इंटेंशन पे काफ़ी काफ़ी मैटर रहेगा। तुमने अगर शेयर खरीदा है फॉर इंटेंशन ऐसा था तुम्हारा खरीदते वक्त कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, तो उसको बिंदास कॉस्ट पे वैल्यू करो, कोई टेंशन नहीं, अनलेस परमानेंटली वैल्यू क्या हो जाए, गिर जाए। वेरी गुड। और अगर करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा है, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो शॉर्ट टर्म तब इंटेंशन ऐसा था कि मैं बेच दूंगा इसको, भाव बढ़ते ही बेच दूंगा, तो उसको क्लासिफाई करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसको अगर फेयर वैल्यू उसकी नीचे गिर जाए तो उसको वैल्यू कर दो फेयर वैल्यू पे, मतलब कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और इसको शॉर्ट टर्म बोला गया, इसको लॉन्ग टर्म बोला गया। तो शॉर्ट टर्म को और एक वर्ड होता है करंट, और इसको और एक वर्ड होता है नॉन करंट। करंट मतलब शॉर्ट टर्म, अभी अभी में, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मतलब कितना पीरियड है, 1 ईयर, 1 ईयर का, क्योंकि अपने बैलेंस शीट पीएनएल जो भी बनता है सब कितने पीरियड का बनता है, 1 साल का। तो अगर उसके अंदर अंदर कुछ हो रहा हो तो वो शॉर्ट टर्म, और उससे ज़्यादा कुछ हो रहा हो तो वो लॉन्ग टर्म। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। तो इन्वेस्टमेंट्स का क्लासिफिकेशन तुमको समझ गया, अभी वो भी लिख लेंगे अपन फटाफट से। वो है यहाँ पे, इसके नीचे का मैं लिख रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ऐसे क्यों हो रहा है, लिखा है इसके नीचे और एक लाइन लिख लो, ये वाली, ऐसे हैशटैग करके या कुछ करके लिख सकते हो यहाँ पे, पीरियड के वहाँ पे तुम हैशटैग दे सकते हो, तो ये चेक करेगा कि इंटेंशन अपना है या नहीं। थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, लिखा तो
वो प्राइस डबल कब होगा, इसका एक्सपेक्टेशन तेरे दिमाग में होगा कि प्राइस डबल होगा शायद 2 साल में, तो तेरा इंटेंशन लॉन्ग टर्म हो गया। ये प्राइस डबल होगा शायद 6 महीने में, तो तेरा इंटेंशन शॉर्ट टर्म हो गया। पर ये इंटेंशन है, इंसान का इंटेंशन है, कभी भी बदल सकता है। तो बदला तो क्या करेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी एस ने बोला, वो भी देखेंगे क्या होगा इसका। इतना लिखा है क्या सबने? चलो बढ़िया। तो दो चीज़ें लिखी आज, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, और इन्वेस्टमेंट होता क्या है तो उसको वैल्यू किस पे करोगे या उसमें क्या क्या टाइप है ये देख लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। समझा यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। तो अभी कल से इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाएंगे, पर आज उसमें जाने से पहले और एक चीज़ इसको कर लेते हैं, और एक चीज़ बता देता हूँ तुमको कि इन्वेस्टमेंट देखो, अपन ने जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट का बेसिस देखा कि क्लासिफिकेशन कौन से दो टाइप में हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दो टाइप में हो सकते हैं ये देख लिया। पर ये तो टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ क्या, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि मैं कितना होल्ड करने वाला हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अगर क्लासिफाई किया तो फिर भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक है कि मैं फिक्स्ड इनकम का खरीदा है मैंने, फिक्स्ड इनकम कौन देके जाता है, डिबेंचर्स जैसे फॉर एग्जांपल, या रेंटल्स, इनके फिक्स्ड इनकम मिलते हैं इन पे। तो अगर फिक्स्ड इनकम वाले इन्वेस्टमेंट्स एक हो सकते हैं, या एक इन्वेस्टमेंट्स का टाइप हो सकता है वेरिएबल इनकम वाले। तो एक तो फिक्स्ड इनकम वाले हो सकते हैं या वेरिएबल इनकम वाले हो सकते हैं। तो दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस पे, दोनों टाइप के। तो जाने से पहले बस इतना लिख लो, कल आगे बढ़ेंगे और अगला पार्ट शुरू करेंगे। कल क्या करने वाले अपन, कल इसके थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी जाएंगे कि अगर वेरिएबल इनकम है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रहेगा। तो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी पूछने जैसा है और प्रैक्टिकल भी है। और अपन क्या करेंगे, यही अपना पूरा ये रहेगा कि एस सोच सोच के करेंगे। ऐसे कभी भी ऐसे नहीं होगा कि मैं पढ़ के तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का लर्न है तो तुम भी वैसे ही लर्न करोगे। और ऐसे वे में कब एस समझ खत्म हो जाएगा, कब थ्योरेटिकल एस भी खत्म हो जाएगा, तुम्हें ध्यान में नहीं आएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, तो ये तुम भी फॉलो करो। इससे क्या होगा, और अपन लिखते भी जाएंगे सब कुछ, तो तुम्हारे साथ नोट्स भी प्रिपेयर्ड है, मॉड्यूल में जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे नोट्स में रहेगा। ये मैं तुमको एस होने के बाद एक बार मॉड्यूल भी दिखा दिया करूँगा कि मॉड्यूल में यहाँ पे ये अलग है या ये अपने नोट्स में नहीं है, तो वो मार्क कर सकते हैं अपन कुछ चीज़ अगर पूछी जा सकती है, क्योंकि पूरी की पूरी मॉड्यूल तो नोट्स में उतार नहीं सकते, पर एमसीक्यू की वजह से थोड़ा वो एक्स्ट्रा एस्पेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस जाने से पहले और एक लिख लो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम। ये पहले भी ऐसे हो रहा था क्या? मतलब इसके अकाउंट्स के पहले तो मेरे साथ खास लगाव है क्या इसका?
चलो बस इतना लिख लो, कल और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा, आज तो फटाफट टाइम खत्म हो गया पता नहीं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं आज, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।